बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने सदन के लिए किया कूच। रास्ते और सुलभ न्याय का वादा करके सत्ता में आने वाली भाजपा आज अपने वादों से मुकर रही है और जनता से छल कर रही है। ये आरोप है पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का। शुक्रवार को पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग बुलंद करने के लिए सैकड़ों वकील दिल्ली में सदन भवन का घेराव करने को खड़ा हो गए। मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जानी ने बताया कि पिछले लगभग 40 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग चल रही, जिसको लेकर वकील समय समय पर आंदोलन करते रहे हैं। भाजपा ने भी सरकार बनने से पहले वकीलों को लुभावने सपने दिखाए थे, लेकिन अब देश और प्रदेश दोनों में भाजपा की सरकार होने के बावजूद पश्चिम हाईकोर्ट बेंच नहीं ली जा सकी। वरिष्ठ अधिवक्ता और मेरठ बार एसोसिएशन में पूर्व अध्यक्ष अग्रवाल ने बताया कि अब वकीलों ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है, जिसके चलते आज मेरठ समेत 22 जिलों के लोग सदन के लिए कूच कर रहे हैं। दिल्ली पहुंचकर हजारों अधिवक्ता सदन का घेराव करेंगे और हाईकोर्ट बेंच की मांग बुलंद करेंगे। आंदोलन में वकीलों का साथ देने के लिए कई संगठन और राजनीतिक पार्टी सहित आम नागरिक भी कचेरी से बसों और निजी वाहनों द्वारा सदन के घेराव के लिए खड़ा हुए। राजेंद्र सिंह जानी, चेयरमैन संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश। राजेंद्र जी, आज कहाँ जा रहे हैं और कितने लोग जा रहे हैं? आज हम दिल्ली जा रहे हैं संसद का घेराव करने के लिए, और बहुत बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं। सब 22 जिलों से जो हमारी पश्चिम उत्तर प्रदेश की संघर्ष समिति है, उसमें जो 22 जिले आते हैं उनके सभी लोग जो हैं वो भी जा रहे हैं और संगठन के लोग भी जा रहे हैं। क्या क्या मांगे आपने? नहीं, मांग तो हमारी हाईकोर्ट बेंच है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए। 40 साल से हम लोग लग रहे हैं, 8 करोड़ जनता पश्चिम उत्तर प्रदेश में निवास करती है, और किसान मजदूर व्यापारी सब लोग जो हैं परेशान हैं। 750 किलोमीटर जाना पड़ता है हाईकोर्ट में, और एक बार जाके एक आदमी जाता है तो किसान अपनी ज़मीन बेच के जाता है, तांगे वाला तांगा बेच के जाता है। इतनी बड़ी परेशानी है वहाँ, मुकदमा लड़ने में आदमी को 20-20 साल लग जाते हैं, आने जाने में कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। और 8 करोड़ रुपये हाईकोर्ट की बेंच नहीं दे रहे हैं। 40 साल से ये आंदोलन चल रहा, और कई प्रदेश ऐसे हैं जहाँ 2 करोड़ की आबादी है, जहाँ 3 करोड़ की आबादी है, वहाँ 3-3 बेंच है, और हम यहाँ 8 करोड़ हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ जनता है, और जो है वो मांग को जो है ये राजनीतिक मांग है, नीयत साफ़ नहीं है इनकी, और उसको नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं।